Pranam, today we take up another aspect. We start off with another aspect of history, Indian history, and that is modern Indian history. इससे पहले कि हम इस टॉपिक पे जाएं, एक छोटी सी चीज डिस्कस करना आवश्यक है कि इंडियन हिस्ट्री का जो भी सिलेबस है वो आपके जनरल स्टडीज में किस तरह बाइफर्केटेड है. एक बार उस चीज पे क्लैरिटी लाना बहुत आवश्यक है. सपोज हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को तीन भागों में डिवाइड किया है. ओके, एंशियंट, प्राचीन, मिडिवल, मध्यकालीन. इसकी स्पेलिंग में हमेशा गलत लिखता हूं, कुछ मेंटल ब्लॉक है. एंड मॉडर्न, आधुनिक. ओके, क्या टाइम फ्रेम्स हैं? एंशियंट हिस्ट्री इंडिया की शुरू कब होती है ये बताना बहुत मुश्किल है, ये बताना बहुत मुश्किल है. लेकिन एंशियंट आप पकड़ लीजिए अप टू 1192 AD. तो टिपिकली आपका जो हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री शुरू होता है वो शुरू होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से. ठीक है, वहां से शुरू होके थ्रू द वैदिक सोसाइटी, थ्रू द किंगडम्स ऑफ द मौर्यास एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, चोलाज, सबको, सब लोग, ऑल द हिंदू डायनेस्टीज. दिस एंड्स रफली इन 1192, ओके, विद द बैटल ऑफ तरेन एंड मोहम्मद घोरी डिफीटिंग पृथ्वीराज सिंह, पृथ्वीराज चौहान. तो यहां तक एंशियंट हिस्ट्री माना जाता है. ओके, आप जब मिडिवल की बात करते हैं तो आप ब्रॉडली ले लीजिए 1192 AD to 1757 AD. क्यों 1757 बोला मैंने? बैटल ऑफ प्लासी. तो यहां तक जितना आता है आप उसको मिडिवल हिस्ट्री, हिस्टोरियंस उसको मिडिवल कंसिडर करते हैं. ओके, एंड 1757 AD to 1947 AD, दिस वुड बी कॉल्ड मॉडर्न हिस्ट्री, राइट? इसमें पूरा यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट आ गया. ओके, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑल द अदर रेबेलियंस, रिवोल्ट्स दैट हैपेंड अगेंस्ट द ब्रिटिश, एंड आपका फ्रीडम स्ट्रगल. ओके, अब ये है आपका हिस्ट्री का पूरा ब्रेकअप, राइट? अब इसमें एक और चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है कि जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसके तीन एस्पेक्ट्स होते हैं, बेसिकली तीन या चार एस्पेक्ट्स होते हैं. जैसे एक होता है पॉलिटिकल हिस्ट्री, फर्स्ट किंग कौन था, लास्ट किंग कौन था, कोई भी डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट बैटल्स क्या क्या थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर, किस तरह की रूल्स थी, किस तरह की पॉलिसीज थी, क्या सिस्टम था, कैबिनेट था कि नहीं था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? तीसरा हो गया इकोनॉमी. अगर आप कार्ल मार्क्स की बात माने तो हिस्ट्री इज हाउ द मोड्स ऑफ प्रोडक्शन हैव चेंज्ड ओनरशिप, हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ दैट. एंड देन यू हैव आर्ट्स एंड कल्चर. आर्ट्स एंड कल्चर में सब कुछ आ गया, डांसेस आ गए, आर्किटेक्चर आ गया, लिटरेचर आ गया, पोएट्री आ गई, ड्रामा आ गया, परफॉर्मिंग आर्ट्स आ गए, सब कुछ आ गया. ओके,
तो ये इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स थे, तो ये स्कल्पचर भी आ गया रादर। तो कोई भी आप हिस्ट्री का पार्ट लेंगे, ये स्टडीज आपको रहने वाली है, राइट। ये जनरल स्टडीज की बात कर रहा हूं मैं, और मैं सिर्फ इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूं। तो आपको सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि मेंस में क्या है और प्रीलिम्स में क्या है, राइट। अगर आप स्ट्रिक्टली यूपीएससी के सिलेबस के अनुसार जाएंगे स्ट्रिक्टली, तो पॉलिटिकल पार्ट जो है एंशियंट और मिडिवल का, ये प्रीलिम्स में है। मेंस में नहीं है, ये भी प्रीलिम्स में है, मेंस में नहीं है, ओके। ये वाला पार्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री, पॉलिटिकल मॉडर्न हिस्ट्री, ये आपको प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। फॉर एग्जांपल लॉर्ड डलहौजी इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, कमेंट। तो ये प्रीलिम्स मेंस, ये यूपीएससी मेंस में एक क्वेश्चन आ चुका है जो स्पेसिफिकली ये पार्ट का है, ठीक है। एडमिन स्ट्रक्चर प्रीलिम्स पे है, मेंस पे नहीं। प्रीलिम्स में है, मेंस में नहीं। प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है, राइट। इकोनॉमी प्रीलिम्स में है, मेंस में नहीं। प्रीलिम्स में है, मेंस में नहीं। प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, व्हेन यू टॉक अबाउट एंशियंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है, ओके। मिडिवल इंडिया का आर्ट्स एंड कल्चर प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है। मॉडर्न इंडिया का आर्ट एंड कल्चर प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि कहां क्या क्या है, ठीक है। तो अब हम इसके दो हिस्से बड़े आराम से बना सकते हैं। पहला हिस्सा है ये, ये है आपका मेंस इंडियन हिस्ट्री, ये है आपका मेंस का इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है GS2 में, उसमें आ जाता है। लेकिन आपको मेंस की हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, तो आपको इतना पढ़ना है। प्रीलिम्स अगर पढ़ना है तो ऑब्वियसली पूरा पढ़ना है, ओके। तो हमारे जो हिस्ट्री के मेंस के लेक्चर जो रहेंगे, जो सबसे पहले आपको मिलेंगे, उन लेक्चर्स में ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, क्योंकि ये प्रीलिम स्पेसिफिक है, ये प्रीलिम स्पेसिफिक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये अलग से प्रीलिम्स के लिए कवर किया जाएगा, क्योंकि ये पार्ट कवर करने के लिए करीब 20 से 22 अलग लेक्चर्स लगते हैं। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू करते हैं और डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर पे उसको अगर खत्म करते हैं, ठीक है, डेथ ऑफ औरंगजेब या डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर में उसको आप अगर कवर करते हैं, तो कंप्लीट करते हैं, तो सिर्फ इस पार्ट के लिए 20 to 22 लेक्चर्स अलग से लगते हैं, 20 से 22 लेक्चर अलग से लगते हैं सिर्फ इसके लिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारा मेंस का जो पार्ट है वो इतना रहेगा, इतना रहेगा, ठीक है। इसमें से
ये जो पार्ट है आर्ट्स एंड कल्चर का, ये अलग रहने वाला है, बिकॉज आपके ही कोर्स में अगर आप जनरल, मैं रिमेंबर मैं स्ट्रिक्टली नोटिफिकेशन के हिसाब से जा रहा हूं. इफ यू टेक अ लुक एट द डिटेल्ड नोटिफिकेशन यू विल फाइंड दैट द फर्स्ट यूनिट ऑफ फर्स्ट जीएस ऑफ मेंस, पेपर टू जीएस वन ऑफ मेंस, द फर्स्ट यूनिट इज दिस. सो दिस इज कवर्ड इंडिपेंडेंटली इन आर कोर्स. ओके, 8 या 9 लेक्चर्स हैं, एकदम तगड़े. एक लेक्चर तो उसमें 3 घंटे 40 मिनट का भी है, ठीक है. सो ये पार्ट अलग से कवर होगा. हम अभी जीएस वन में फिर और 2 पार्ट आते हैं. ये आर्ट्स एंड कल्चर तो हमने अलग कर दिया, राइट. अब और 2 पार्ट्स क्या आते हैं, मॉडर्न अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इसके 2 हिस्से रहेंगे, राइट. सबसे पहला यूरोपियन एसेंडेंसी, मतलब किस तरह से यूरोपियंस इंडिया में आए, क्यों आए, किस तरह से उनकी शुरुआत हुई, फिर वो धीरे धीरे उन्होंने अपना वर्चस्व किस तरह स्थापित किया, हाउ डिड दे इंक्रीज देयर डोमिनेंस स्लोली एंड स्टेडिली, दैट ऑफ कोर्स वुड बी 1 पार्ट. This we will study separately under a unit called Modern Indian History. Under a module called Modern Indian History. हम वो European ascendancy का part उसमें cover करेंगे, ठीक है. The second part would be the freedom struggle. The second part would be the freedom struggle. ये हम अलग से कवर करेंगे. फ्रीडम स्ट्रगल का अलग मॉड्यूल होगा जो 1857 की क्रांति से शुरू होके 1947 की आजादी और रेडक्लिफ लाइन पे खत्म होगी. ये एक अलग मॉड्यूल रहेगा, ठीक है. ये मॉड्यूल ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू करके, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू करके 1857 के जस्ट पहले ये मॉड्यूल खत्म होगा, समझ रहे हो. तो ईस्ट इंडिया कंपनी, सारी ईस्ट इंडिया कंपनीज जो आज का टॉपिक है, सारी ईस्ट इंडिया कंपनीज जो इंडिया आई, क्यों आई, किस तरह का सिस्टम था ट्रेडिंग का, किस तरह से धीरे धीरे पावर में आए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारी चीजें इधर कवर होंगी, राइट. द नेम ऑफ द मॉड्यूल वुड बी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ओके. और फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो यहां कवर होगा. तो बेसिकली जनरल स्टडीज मेंस के लिए जो हिस्ट्री है वो 3 अलग अलग मॉड्यूल्स में इस कोर्स में कवर होंगी. पहला मॉड्यूल कौन सा है, आर्ट्स एंड कल्चर. दूसरा मॉड्यूल है फ्रीडम स्ट्रगल. तीसरा मॉड्यूल है मॉडर्न इंडिया. I hope it's very clear. तो आज हम ये मॉड्यूल जो है, ठीक है, इसको हमने नाम दिया है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आज हम इस मॉड्यूल की शुरुआत कर रहे हैं. ये मॉड्यूल अलग से चलेगा, आज हम इस मॉड्यूल की शुरुआत कर रहे हैं. तो लेक्चर्स की नंबरिंग जो है हमारे कोर्स में, लेक्चर्स की नंबरिंग जो है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के हिसाब, मॉड्यूल के हिसाब से होगी. तो आज मेंस जीएस वन, मेंस जीएस वन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के मॉड्यूल का पहला लेक्चर. आई होप दिस एस्पेक्ट इज कंप्लीटली क्लियर टू यू. हम किस तरह से नॉमनक्लेचर यूज कर रहे हैं, आई होप दिस एस्पेक्ट इज कंप्लीटली क्लियर टू यू. ओके, जैसा मैंने कहा था कि ये जो टॉपिक्स हैं ये प्रिलिम स्पेसिफिक हैं, राइट. तो ये
बाद में कवर होंगे, बिकॉज हमारी फिलॉसफी है हम पहले मेंस कवर करेंगे उसके बाद प्रीलिम्स कवर करेंगे, क्योंकि आपकी एग्जाम जो पैटर्न में होती है यूपीएससी की, आपकी तैयारी उसके रिवर्स पैटर्न में होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको प्रीलिम्स के वक्त लगता है कि मैं इस बार का मेंस क्लियर नहीं कर पाऊंगा तो प्रीलिम्स नहीं देना चाहिए, ये मेरा स्ट्रिक्ट ओपिनियन है बिल्कुल। आई होप ये पार्ट क्लियर है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं हम। एक विलियम शेक्सपियर का कोट है, देयर इज अ कोट बाय विलियम शेक्सपियर विच आई हैव ऑलवेज फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज इन दैट कोट ही हैज कैप्चर्ड सो मच, एंड दैट कोट इज व्हाट इज पास्ट इस प्रोलोग, जो अतीत है वो आज की कहानी की शुरुआत है। जो अतीत में हम बोलते हैं अतीत में है, वो एक्चुअली आज की कहानी की कहीं ना कहीं शुरुआत है। व्हाट इज पास्ट इस प्रोलोग, दिस सिंगल सेंटेंस हैज द एबिलिटी टू लिंक अप अ लॉट ऑफ थिंग्स इन हिस्ट्री विच टूडे वी माइट फाइंड नॉट सो रेलेवेंट, राइट। तो टूडे वॉट एवर यू सी इन द वर्ल्ड, आज जो भी सिचुएशन है, वॉट एवर यू सी इन द वर्ल्ड, बेसिकली कॉज आप स्टडी करें तो दो तीन इवेंट्स हैं, उसके बाद का चेन रिएक्शन है सब कुछ। उस वक्त कुछ भी हो सकता था, जैसा अगेन अलाउ मी टू इलस्ट्रेट। ये एक पॉइंट आता है हिस्ट्री में, ये पॉइंट पे ये भी हो सकता था और ये भी हो सकता था, ठीक है। हुआ ये, तो यहां से कहानी आगे बढ़ी। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता जहां ये भी हो सकता था और ये भी हो सकता था, ठीक है। हुआ ये, अब यहां से कहानी आगे बढ़ने लगती है। तो इस तरह से हिस्ट्री प्रोग्रेस होती है, ओके। एक और इसके पहले भी हो रहा है, ये एक अनएंडिंग चेन है। व्हाट इज पास्ट इज प्रोलॉग, ये एक अनएंडिंग चेन है। ऐसा ही एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो है, दैट इज 1453 एडी। इसमें क्या हुआ था, द टर्क्स कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, हो सकता है टर्क्स हार गए होते, हमारी हिस्ट्री अलग होती, बट हुआ क्या, द टर्क्स कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल। तो हम ये पॉइंट पे आए, यहां से हिस्ट्री बढ़ती चली गई। गॉट द आइडिया। तो जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत है, आप कॉज इफेक्ट लिंक करेंगे तो उसके ओरिजिन्स हमको ये पॉइंट पे मिलते हैं। भारत में पिछले 400
500 सालों में जो भी हुआ, ओके, उसका एक वो पॉइंट जो है वो ये है। इसके पहले का पॉइंट मैं मानता हूं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, अकबर वर्सेस हेमू, 1556। उसके पहले का पॉइंट मैं मानता हूं बैटल ऑफ तरेन। एनीवे, तो यहां से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है। ट्रेड बिटवीन एशिया एंड यूरोप, दिस हैज बीन हैपनिंग सिंस एंशियंट टाइम्स, प्राचीन काल से ही व्यापार के रिश्ते बहुत मजबूत थे। इनफैक्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेड रूट्स इन द वर्ल्ड इज द सिल्क रूट, इज द सिल्क रूट। व्हाई इज इट कॉल्ड द सिल्क रूट? बिकॉज इन यूरोपियन मार्केट्स, इन यूरोपियन मार्केट्स द मोस्ट वैल्यूएबल, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटीज वॉज सिल्क, विच वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, ठीक है, और वो सिल्क ट्रांसपोर्ट होता था टू यूरोपियन कंट्रीज। दो कमोडिटीज जिसमें एशिया, दो ऐसे कमोडिटीज जो एशिया में बनते थे जिनकी बहुत डिमांड रहती थी एंशियंट टाइम्स, मिडिवल टाइम्स से, इनफैक्ट एंशियंट टाइम्स से, ये दो कमोडिटीज थी सिल्क, फ्रॉम चाइना, सिल्क फ्रॉम चाइना एंड स्पाइसेस फ्रॉम साउथ एशिया। सिल्क फ्रॉम चाइना एंड स्पाइसेस फ्रॉम साउथ एशिया, और इनकी बहुत डिमांड थी यूरोपियन मार्केट्स में। तो ये पूरा ट्रेड सिल्क रूट के थ्रू होता था, और वो सिल्क रूट पे जो जो भी शहर थे, जो जो भी कस्बे थे या जो जो भी गांव थे, दे बिकेम वेरी प्रॉस्परस, राइट, बिकॉज ट्रेडर्स आते थे, पैसा स्पेंड करते थे एंड सो ऑन, राइट। इस ट्रेड में जो लोगों का आना जाना हुआ, राइट, उससे कल्चर्स का भी इंटरेक्शन हुआ। जैसे आप देख सकते हैं गंधारा स्टाइल स्कल्पचर जो है उसमें बहुत सारी ग्रीक इन्फ्लुएंसेस आपको दिखेंगे, आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर में आप पढ़ेंगे उसको अलग से। गंधारा स्टाइल ऑफ स्कल्पचर जो है उसमें आपको बहुत सारे ग्रीक इन्फ्लुएंसेस दिखेंगे, हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंसेस दिखेंगे। तो ऑब्वियसली कल्चरल इंटरेक्शन भी होता था, ट्रेड इंटरेक्शन भी होता था। ये सिल्क रोड जो था इसका डिस्टेंस था 6500 किलोमीटर्स, ओके। अब यहां पर आप ये इमेज देखिए, इससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि सिल्क रूट किस तरह है। रिमेंबर, ये सारे इमेजेस आपके स्टडी मटेरियल में आपको मिलेंगे, राइट। लेक्चर के बीच में इमेजेस दिखाने का ये है कि एक ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव आपके दिमाग में रहे, राइट। तो व्हेन द ऑटोमंस कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, रिमेंबर ये पूरा लैंड रूट था, व्हेन द ऑटोमंस कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, ओके, उन्होंने ये रूट के ट्रेड को मोनोपोलाइज कर लिया, ओके, एंड ट्रेड अलोंग द कन्वेंशनल रूट बिकेम वेरी अनसेफ एंड वेरी कॉस्टली, बिकॉज ऑटोमन एम्पायर को चार्जेस देने पड़ते थे टू यूज अ रूट विच वॉज लाइंग इन देयर रेल्म। You needed to pay charges which were quite exorbitant according to historians. और उस रूट से ट्रेड करना असंभव हो गया। यहां से शुरू होती है the story of western exploration of sea routes. Clear? तो अभी तक का हमने जो डिस्कस करा पॉइंट वाइज लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए
economic impact of the fall of Constantinople. कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय के आर्थिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव. फर्स्ट, ऑटोमन एम्पायर मोनोपोलाइज्ड ट्रेड एंड प्रिवेंटेड अदर्स फ्रॉम प्रॉफिट्स. ऑटोमन शासन ने, ऑटोमन साम्राज्य ने व्यापार पे एकाधिकार बना लिया. ऑटोमन साम्राज्य ने व्यापार पर एकाधिकार बना लिया एंड प्रिवेंटेड अदर्स फ्रॉम ट्रेड प्रॉफिट्स, और अन्य शक्तियों को मुनाफा नहीं होने दिया. अन्य शक्तियों को मुनाफा नहीं होने दिया. दूसरा लिखिए, यूरोपीय व्यापार, यूरोप और एशिया के बीच का व्यापार पूरी तरह ठप हो गया. ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया कोलैप्स्ड कंप्लीटली, कोलैप्स्ड कंप्लीटली. तीसरा पॉइंट, रेनेसां एंड एनलाइटनमेंट हैड ऑलरेडी हिट यूरोप. यूरोप में पुनर्जागरण हो चुका था. रिनेसां एंड एनलाइटनमेंट हमने अलग से पढ़ा है, किस तरह से लोग इंस्पायर हुए थे. चौथा पॉइंट, समुद्री एशिया के साथ व्यापार करने के लिए समुद्री मार्गों की खोज प्रारंभ हुई. एशिया से व्यापार करने के लिए समुद्री मार्गों की खोज प्रारंभ हुई. यूरोपियंस स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग ट्रेड रूट्स, स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग नेवल रूट्स, ROUTES, फॉर ट्रेडिंग विथ एशिया. अब आप यहां पूछ सकते हैं कि एशिया ने क्यों ट्राई नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेड एशिया का भी हिट हो रहा होगा. ऐसा तो होता नहीं ना, यूरोपियन आपके बायर्स हैं और वो अपने मार्केट में सेल कर रहे हैं एट अ ह्यूमंगस प्रॉफिट. हाँ, तो ये यूरोपियन बायर्स अगर कम हो गए तो आप भी तो सोचेंगे, जो सेलर है वो भी तो सोचेगा कि यार मैं बायर तक कैसे पहुंचूं. तो ये क्यों नहीं हुआ, ये किसी हिस्टोरियन ने इसको एड्रेस नहीं किया है. लेकिन आप अगर एनालिटिकली सोचें तो दो कारण दिखाई देते हैं. सबसे पहले, एशिया का ट्रेडिशनल पॉपुलेशन काफी ज्यादा है. ट्रेडिशनली एशिया हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट. तो एक कारण ये हो सकता है कि वो बायर्स न होने के कारण जो डिमांड में कमी आई होगी वो लोकल मार्केट ने सेटिस्फाई कर दी होगी. हैव यू अंडरस्टूड? द लॉस ऑफ डिमांड विच रिजल्टेड फ्रॉम यूरोपियंस नॉट कमिंग टू इंडिया मे हैव बीन ऑफसेट बाय द लोकल पॉपुलेस. ये पहला कारण हो सकता है, राइट. सेकेंड थिंग, आप अगर लैंड रूट देखें फ्रॉम यूरोप टू चाइना, वो दक्षिण भारत में से नहीं निकलता है, वो पेनिनसुलर इंडिया में से नहीं निकलता है, राइट. जबकि कोस्ट्स पूरे दक्षिण भारत पे थे, और नॉर्थ इंडिया में अलग डायनेस्टीज थी, दक्षिण में अलग डायनेस्टीज थी. तो ये दोनों के बीच, ऐसा नहीं है कि इंडिया में नेवी नहीं थी. रिमेंबर द चोलाज वेर द फर्स्ट टू हैव अ नेवी, एंड द चोलाज हैड ऑक्यूपाइड श्रीलंका एट अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम इन एंशिएंट हिस्ट्री. तो इट्स नॉट दैट मराठास हैड अ स्ट्रॉन्ग नेवी.
So it's not that Indians were not a naval power. Okay? तो ये दूसरा कारण हो सकता है, right? जिनको actually नुकसान हो रहा होगा उनके पास नेवल ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के तरीके ही नहीं थे. तीसरा, सोसाइटी और उसमें के लोग, क्योंकि काफी टाइम तक ये माना जाता था कि क्रॉसिंग द ओशन वुड डाइल्यूट योर फेथ, स्पेशली इन इंडिया, ओके, अमंग हिंदूस. तो ये एक और कारण हो सकता है कि हमने एक्सप्लोर नहीं किया लेकिन उन्होंने. तीसरी चौथी चीज बहुत जरूरी है, उनका नुकसान ज्यादा हो रहा था. हमारा पॉपुलेशन इतना है, एशिया इतना हाईली पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड तभी भी था. वॉट एवर लॉस वॉज हैपनिंग बिकॉज वो माल नहीं उठा पा रहे थे, दैट वुड हैव बीन मोर और लेस कंपनसेटेड बाय द लोकल मार्केट. उनके पास वो ऑप्शन नहीं था बिकॉज ह्यूमंगस प्रॉफिट्स. हम देखेंगे वास्को डी गामा को गिरी से गिरी हालत में भी कितना प्रॉफिट हुआ था, ह्यूमंगस प्रॉफिट्स. ओके, तो वो प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज करना ये बहुत बड़ी बात हो गई. इसलिए जरूरत यूरोपियंस की ज्यादा थी. नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. जरूरत यूरोपियंस की ज्यादा थी, इसीलिए ट्रेड रूट्स का एक्सप्लोरेशन यूरोपियंस ने किया. प्लस वहां रेनेसॉर एनलाइटनमेंट जैसे मूवमेंट्स हो चुके थे जिन्होंने लोगों में एक नई स्पिरिट डाल दी. 1192 से क्रूसेड्स भी शुरू हो गए थे. वहां पे एम्पायर्स जो थे, मोस्ट ऑफ द एम्पायर्स वेर क्वाइट यूनिटरी, उनमें बहुत ज्यादा क्लेश नहीं था विद इन द एम्पायर. तो ये सारी चीजें इस तरफ मुड़ी कि यूरोपियंस यहां आए, हम वहां नहीं गए. तो यहां से शुरू होती है यूरोपियन एक्सप्लोरेशन की कहानी. एंड सबसे पहले निकले स्पेन से मिस्टर क्रिस्टोफर कोलंबस. राइट, ये निकले थे टू एक्सप्लोर अ सी रूट टू इंडिया. ही हैड द बैकिंग ऑफ द स्पैनिश किंग एंड द क्वीन. स्टार्टेड हिज जर्नी इन अटलांटिक. तो वो जब कोई नई जगह पहुंचे तो उनको लगा वो इंडिया पहुंच गए. बट ही हैड रीच्ड अ प्लेस विच वॉज नॉट एट ऑल इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बट ही थॉट ही हैड रीच्ड देयर. एंड दैट प्लेस वॉज कॉल्ड द इंडीज. द इंडीज. ओवरऑल क्रिस्टोफर कोलंबस के चार वॉयजेस हुए. ओके, बिकॉज वो पहले वॉयज के बाद एक अलग हिस्ट्री का डार्क चैप्टर शुरू होता है, द चैप्टर ऑफ स्लेव ट्रेड एंड द एंटायर स्टोरी ऑफ द डेसिमेशन ऑफ द नेटिव्स ऑफ अमेरिका. वो एक हिस्ट्री का एक अगली और डार्क चैप्टर है जो भगवान की दया से हमारे कोर्स में नहीं है, तो हम उधर नहीं जाएंगे. तो उनको लगा, ये आप इमेज यहां पे देख सकते हैं, उनको लगा कि वो इंडिया पहुंच गए थे. ये है कोलंबस का सी रूट और उनके वॉयजेस. तो उनको लगा कि वो इंडिया पहुंचे थे, बट वो इंडिया नहीं पहुंचे थे, वो वेस्ट इंडीज पहुंचे थे, जिसको आज हम वेस्ट इंडीज और वहां से जुड़ा हुआ अमेरिका, ये पूरा पार्ट. ओके, अब दूसरे थे द पोर्चुगीज एक्सपेडिशंस. रिमेंबर द ब्रिटिशर्स वेर द सेकेंड लास्ट टू कम टू इंडिया एंड द फ्रेंच वेर द लास्ट, बिकॉज एवरी यूरोपियन पावर हैड सीन द पोटेंशियल ऑफ ट्रेड. तो दूसरा हेडिंग दीजिए, द पोर्चुगीज कैंपेन्स. द पोर्चुगीज कैंपेन्स.
1948 लिखा है, 28 मई 1498 वास्को डी गामा सेट ऑफ फ्रॉम पोर्चुगल. ओके नो सॉरी ही रीच्ड ऑन 28 मई 1498. लंबी चौड़ी जर्नी थी उनकी फ्रॉम पोर्चुगल टू द केप ऑफ गुड होप, वहां से अफ्रीका में एक और पॉइंट और वहां से इंडिया. तो जब वो इंडिया पहुंचे तो उनका स्वागत तो हुआ, लेकिन ही रीच्ड कैलिकट. कैलिकट के जो रूलर थे ज़ैमोरिन, ही वॉज नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड विद द गिफ्ट्स वास्को डी गामा हैड गॉट फॉर हिम. ओके तो वास्को डी गामा हैड अ टफ टाइम नेगोशिएटिंग. पहला प्रॉब्लम ये था. दूसरा प्रॉब्लम था, मालाबार रीजन में ऑलरेडी मुस्लिम ट्रेडर्स काफी थे, उनको कंपटीशन पसंद नहीं थी. देर ऑलरेडी वर सम मुस्लिम ट्रेडर्स इन मालाबार एंड दीज मुस्लिम ट्रेडर्स अपोज्ड एनी सॉर्ट ऑफ कंसेशंस और एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेड अरेंजमेंट विथ द पोर्चुगीज. दीज वेर द टू प्रॉब्लम्स वास्को डी गामा फेस्ड. ओके तो व्हाट हैपेंड, आप लिखते चले जाइए नहीं तो भूल जाएंगे. टू प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स थे? ज़ैमोरिन्स रिलक्टेंस एंड मुस्लिम ट्रेडर्स ऑफ मालाबार. Muslim traders of Malabar. So, whatever goods the Portuguese had brought, they sold it at very low prices in India and got enough money to buy some spices and some jewels and take them back to Europe. ओके बिकॉज कोई ट्रेड कंसेशन उनको नहीं मिल पाया ज़ैमोरिन से. अब जो क्योंकि ट्रेड कंसेशन नहीं मिल पाया तो उनके पास जो सामान था दे सोल्ड इट एट अ वेरी लो प्राइस और वो प्राइस से दे बॉट सम स्पाइसेस एंड सम ज्यूल्स जिसकी यूरोप में बहुत डिमांड थी. और उसी के साथ वास्को डी गामा लेफ्ट अ फ्यू पोर्चुगीज right here so that they can establish a trading post. Trading post matlab kya hoga? Trading post ka concept kya hai ki ek Portuguese trading post hai to wo kya karega? Wo ek focal point rahega. Buy commodities on behalf of the Portuguese traders. Buy commodities, Portuguese will come through sea, pick up the commodities from the trading post and go back. तो जो expeditions आएंगे right, उनको spread होने की जरूरत नहीं है, उनको spread होने की जरूरत नहीं है. वो trading post एक single point रहेगा जहां वो expeditions को, वो traders को सारे goods मिलेंगे जिनके यूरोप में markets है. तो आना है trading post से goods उठाना है, ले जाना है और यूरोप में बेच मारना है. ये सिंपल कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग पोस्ट का, ताकि वो जो वॉयज करके आए हैं उनको प्रोक्यूरमेंट ना करना पड़े. ये बेसिक ऑब्जेक्टिव था ट्रेडिंग पोस्ट का. तो वास्को डी गामा वेंट बैक राइट. अब उनके जर्नी के डिटेल्स में ऑमिट कर रहा हूं. 5 ship निकले थे, 2 ही पहुंच पाए. वापसी में रिमेंबर अ लॉट ऑफ प्रेशर वॉज पुट ऑन हिम. ओके द किंग एक्चुअली थ्रेटेंड टू सीज व्हाटएवर कमोडिटीज ही हैड. तो वास्को डी गामा हैड टू लीव इन अ हरी. और जब वो निकले तब द वेदर वॉज नॉट कंड्यूसिव टू सेलिंग. तो अफ्रीका के एक पोर्ट से कैलिकट वो जितने टाइम में पहुंचे थे, वापिस जाने के लिए उनको तिगना टाइम लगा.
And there were a lot of problems. Many people died during the journey, right? But ultimately, जब वास्को डी गामा वापस पोर्चुगल पहुंचे, यूरोप पहुंचे, तो ही फाउंड दैट दिस ट्रेड वॉज एनॉर्मसली प्रॉफिटेबल. जो उन्होंने कमोडिटीज पोर्चुगल से इंडिया लाई थी वो उनको सस्ते में बेचनी पड़ी, उससे उनको कमोडिटीज खरीदनी पड़ी, कोई स्पेशल कंसेशन नहीं मिले. उसके बाद भी हिस्टोरियंस बताते हैं that the profit Vasco da Gama made was 60 times the cost of the journey. 60. 60 guna. That was the enormous profit. कभी कभी हम मैं सोचता हूं कि अगर इंडिया में एशिया में से कोई एंटरप्राइजिंग इंसान निकला रहता, राइट, और वहां जाके ट्रेडिंग पोस्ट इंडियन नेविगेटर्स ने खोला रहता, तो आज वर्ल्ड हिस्ट्री का क्या चित्रण होता. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन विच वी नीड टू स्पेक्यूलेट, बिकॉज यहीं से कुछ हद तक मिशनरी एक्टिविटी भी यहीं से शुरू होती है, राइट. अब यहां पे पोर्चुगीज शांत नहीं बैठे, बिकॉज वो एम्बिशंस चेंज होती हैं. अगला पॉइंट लिखिए. तो पहले कुछ वॉयजेस जो थे वो सिर्फ रेकी जिसको बोलते हैं, और एक्सप्लोरेशन और छोटा मोटा व्यापार, ऐसे बहुत तगड़े एम्बिशन नहीं थे. अब कहानी शुरू होती है वास्को डी गामा के सेकेंड एक्सपेडिशन से. सेकेंड वॉयज पोर्चुगीज, पॉइंट्स लिख लीजिए. पोर्चुगीज डिफीट द किंग ऑफ भटकल. पोर्चुगीज डिफीट द किंग ऑफ भटकल एंड डिक्लेयर देमसेल्व्स Masters of the sea, declare themselves masters of the sea. On a part of the western coast of India. तो धीरे से, I mean slowly, over the next few years, the Portuguese started dominating the seas. एक चीज याद रखिए, अब पेनिनसुलर इंडिया अगर देखेंगे तो यह है पेनिनसुलर इंडिया, यह है कैलिकट. जो चोलास की नेवी जो थी वो ये फ्रंट पे बहुत स्ट्रांग थी. दिस वॉज डोमिनेटेड बाय द चोलास जब थे तब, बिकॉज चोलास के जो एक्विजिशंस थे वो पूरे इस तरफ हुए थे. चोला के जो ट्रिब्यूटरी स्टेट्स थे वो पूरे इस तरफ हुए थे, राइट. इन द 15th सेंचुरी इंडिया का वेस्ट कोस्ट जो है इस पे ऐसा कोई भी डोमिनेटिंग पावर नहीं था. रिमेंबर, यहां पर एक तो मुगल्स का इन्फ्लुएंस नहीं है, हम 1498 की बात कर रहे हैं, यहां पर मुगल्स का इन्फ्लुएंस नहीं है, राइट. शिवाजी का जन्म हुआ नहीं है, तो मराठा नेवी आने को थोड़ा सा समय है अभी. तो लिटरली अगर ये कोस्ट देखेंगे, इट वॉज अ नो कॉम्पिटिशन जोन फॉर द पोर्चुगीज बिकॉज दे वेर द फर्स्ट मूवर्स, क्लियर. एंड वंस द पोर्चुगीज स्टार्टेड डोमिनेटिंग, और इतना पार्ट भी नहीं, सिर्फ इतना पार्ट का डोमिनेशन था, तो दे स्टार्टेड सेइंग दैट वी आर द मास्टर्स ऑफ द सी, जो ऑटोमन्स ने वहां के लैंड के साथ किया था, लैंड रूट के साथ ऑटोमन्स ने जो किया था. पोर्चुगीज की जब बारी आई तो नेवल रूट्स के साथ उन्होंने भी वही करने की कोशिश करी. एंड इनफैक्ट दे स्टार्टेड अ सिस्टम
नोन एज द कार्तेज सिस्टम, कार्तजे बोल सकते हैं आप इसको, कार्तजे सिस्टम. ओके, कार्तजे सिस्टम क्या था? इट वॉज अ परमिट विच वॉज वैलिड फॉर वन ईयर एंड इश्यूड बाय द पोर्चुगीज अथॉरिटीज. कोई भी पावर को ये रूट्स, इफ इट वॉन्ट्स टू यूज दिस पार्ट फॉर ट्रेड, इट विल हैव टू टेक अ परमिट कॉल्ड द कार्तजे फ्रॉम द पोर्चुगीज. द परमिट वुड बी वैलिड फॉर वन ईयर एंड द परमिट वुड बी ऑप्टेंड ओनली ऑन पेमेंट ऑफ अ सर्टन फी. ठीक है, तो पोर्चुगीज ने यहां पर वो सिस्टम शुरू किया, द कार्तेज सिस्टम. उसको फिर पोर्चुगीज ने, दे ट्राई टू गिव इट अ रिलीजियस कलर ऑल्सो. रीजन वॉज दे रियली डिड नॉट वॉन्ट टू फाइट द ब्रिटिश एंड द डच, जो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग नेवल पावर थे. सो दे डिड नॉट वॉन्ट टू फाइट द ब्रिटिश एंड द डच. सो दे सेड द कार्तजे सिस्टम इज ओनली फॉर इनफिडल्स, only for people who don't believe in the one creator. सिर्फ उनके लिए है जो उस creator में believe करते हैं. ये कार्तजे system उनके लिए नहीं है. ठीक है, तो यहां bracket में लिखिए only फॉर इनफिडल्स. ओनली फॉर इनफिडल्स. फिर एक इंपॉर्टेंट नाम हिस्ट्री में, अल्फोंसो डी एल्बेक्वर्क. Alfonso de Albuquerque, who was appointed the Portuguese governor from 1509 to 1515. लिखिए, Portuguese राज्यपाल 1509 से 1515. ठीक है, Portuguese campaigns का अगला स्टेप था कैप्चर्ड गोवा इन 1510. कैप्चर्ड गोवा इन 1510. राइट, तो जब कैलिकट नीचे गोवा ऊपर, तो जब गोवा भी पोर्चुगीज ने कैप्चर करा तो उनका इन्फ्लुएंस नेवल रूट्स पे बहुत ज्यादा हो गया. बहुत उनका वर्चस्व स्थापित हो गया राइट फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, मॉडर्न डे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो ईरान में है, वहां से लेके एशिया के स्पाइस आइलैंड्स तक पूरा नेवल डोमिनेंस पोर्चुगीज का हो गया. एंड दे बिकेम अ फॉर्मिडेबल पावर. इसी के अलावा The Portuguese had a lot of campaigns in India to capture territories from the Indian princes. Right? कई ऐसे जंग लड़े गए, कई बहुत खून बहाया गया, बहुत लोगों की मृत्यु हुई, इसलिए हिस्ट्री पढ़ाना छोड़ दिया मैंने, सर दर्द करता मेरा. तो ये है पोर्चुगीज कैंपेन्स. अब ये इमेज देख लीजिए, आपको समझ जाएगा पोर्चुगीज का डोमिनेंस इन्फ्लुएंस कितना था. ठीक है, लेकिन ये पोर्चुगीज का डोमिनेंस जो था वो बहुत दिनों तक रह नहीं पाया. अल्टीमेटली रफली जब ब्रिटिश आए और डच आए तब पोर्चुगीज डोमिनेंस धीरे धीरे करके पूरा खत्म हो गया. ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट ये
और ये जिन्होंने पोर्चुगीज पावर को इंडिया में एस्टैब्लिश किया. बहुत बड़ी गलती पोर्चुगीज से हुई थी व्हेन दे गिफ्टेड द आइलैंड ऑफ बॉम्बे टू द ब्रिटिशर्स. एनीवे, तो अब अगला पॉइंट लिखिए, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ये था द पोर्चुगीज कैंपेन्स. देन वी टॉक अबाउट द मेजर एक्सप्लॉइट्स ऑफ द डच ईस्ट इंडिया कंपनी. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आखिरी में आएंगे हम. द डच ईस्ट इंडिया कंपनी, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी. पहला पॉइंट लिखिए, एस्टैब्लिश्ड ऑन 28 मार्च 1602 टू ट्रेड विद मुगल इंडिया. स्थापना 20 मार्च 1602 मुगल के साथ व्यापार करने के लिए. मुगलों के साथ व्यापार करने के लिए द डच एम्पायर गेव इट अ 21-year मोनोपोली. ये क्या होता था? बहुत सिंपल सी चीज थी. अगर आपको यूरोपियन कंट्री से इंडियन कंट्री तक, इंडिया या एशिया तक सी रूट के थ्रू एक्सप्लोर करते हुए पहुंचना है, वहाँ पे रहना है, वहाँ पे लोकल जो अथॉरिटी है उनसे बात करनी है, ट्रेड कंसेशंस यू हैव टू टेक, सो इट एंटेल्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट. It entails a lot of investment, and it would be unfair that the investment is made by an entity, the trade routes are opened up, and after that everybody jumps in. How will the company be able to recover the initial investment? समस्या ये है. इसीलिए ये जो companies exploration के लिए निकलती थी उनको एक समय तक का एकाधिकार दिया जाता था व्यापार पे, ताकि इट वुड एक्ट एज एन इंसेंटिव फॉर दीज कंपनीज टू एक्चुअली एक्सप्लोर. और वो एकाधिकार जब दिया जाता था उसके कारण वो बहुत एंटरप्राइजिंग होते थे, बिकॉज दे वांटेड टू रिकवर देयर इन्वेस्टमेंट एंड मेक प्रॉफिट्स. फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी. क्या गड़बड़ हुई थी वो हम देखेंगे, राइट? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को 21 साल का एक अधिकार दिया गया, अ 21-year मोनोपोली ऑन डच स्पाइस ट्रेड, मसाला उद्योग के व्यापार पर 21 साल का एक अधिकार. एंड ट्रेड मोनोपोली बिटवीन केप ऑफ गुड होप एंड द स्ट्रेट्स ऑफ मैगेलन, एटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन. बेसिकली इनके बीच में जो कोई भी व्यापार हो उस पर एक अधिकार. सिर्फ मसाले का व्यापार नहीं, कोई भी चीज का व्यापार हो तो ठीक है. इसी के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ अधिकार भी दिए गए, बिकॉज दे रियलाइज्ड कि हो सकता है कहीं कहीं वायलेंस यूज करना पड़े, हो सकता है कहीं कहीं वायलेंस यूज करना पड़े, राजा को कोई ऑफिशियल मिलना पड़े, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ट्रेड को प्रोटेक्ट करना पड़े. तो ये कंपनी को गवर्नमेंट की, उनके राजा की तरफ से कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे. सबसे पहले
conclude treaties with native princes. स्थानीय राजाओं और राजकुमारों के साथ संधि करने का अधिकार. स्थानीय राजाओं और राजकुमारों के साथ संधि करने का अधिकार. दूसरा इंपॉर्टेंट राइट जो दिया था, बिल्ड फोर्ट्स, किले बनाने का अधिकार. बिल्ड फोर्ट्स, किले बनाने का अधिकार. तीसरा, मेंटेन आर्म्ड फोर्सेस, सेना रखने का अधिकार. मेंटेन आर्म्ड फोर्सेस, सेना रखने का अधिकार. राइट. चौथा, कैरी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, कैरी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस. प्रशासनिक गतिविधियां चलाने का. ठीक है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनीज को यह अधिकार दिया गया था. डच ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस इंडिया में ना के बराबर ही था. उनका मेन इंटरेस्ट वॉज स्पाइसेस, विच वॉज इन द स्पाइस आइलैंड्स, नॉट इन इंडिया. ओके, तो लिखिए, इट वॉज एबल टू डिफीट द ब्रिटिश एंड पोर्चुगीज इन ईस्ट इंडीज एंड गेन कंट्रोल ओवर स्पाइस ट्रेड. ईस्ट इंडीज में ब्रिटिश और पोर्चुगीज को हराने में सक्षम रही और मसाला उद्योग के व्यापार पर अपना अधिकार बना लिया. इनफैक्ट एक देर इज अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट इनटू अ कॉम्प्रोमाइज बिकॉज दे वर फाइटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉम्प्रोमाइज द ब्रिटिश केप्ट द टेक्सटाइल ट्रेड ऑफ इंडिया एंड द डच केप्ट द स्पाइस ट्रेड ऑफ द स्पाइस आइलैंड्स. पर बाद में डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1799 में डिसॉल्व हो गई. करप्शन वगैरह बहुत कुछ था. अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर. रिमेंबर, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ऑल द यूरोपियन पावर्स वेर फाइटिंग फॉर डोमिनेंस ओवर एशिया. देर इज अ पॉइंट ऑफ टाइम इन हिस्ट्री, ये सारे आपस में लड़ रहे हैं. रिमेंबर, ब्रिटिश एंड फ्रेंच जो थे ये यूरोप में भी लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ. और कई बार जो यूरोप में द वॉर दैट वॉज हैपनिंग इन यूरोप बिटवीन देम, दे समहाउ इंपैक्टेड द रिलेशनशिप इन इंडिया ऑल्सो, बिकॉज इनिशियली दे वे वेरी कॉर्डियल टुवर्ड्स ईच अदर. एक वन कंपनीज कमोडिटीज वुड बी स्टोर्ड इन द अदर कंपनीज गोडाउन एंड सो ऑन. बट वेन वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच इन यूरोप, इट लेड टू इट्स ओन रेपरकशंस. Anyway, so this was the second important East India Company. Then, of course, you had the French East India Company, the last to arrive. The French East India Company. The last to arrive. Iska founding hua tha 1st September 1664 mein. 1st September 1664. Basic objective, compete with the British and the Dutch. इनके साथ प्रतिस्पर्धा करना. ओरिजिनली तो सिर्फ व्यापार के लिए आए थे, बट बहुत जल्दी यहां की परिस्थिति समझकर उन्होंने सोचा कि यहां पर हमारा अधिकार बनाना बड़ा आसान है.
राइट। रिमेंबर डच आए तब तक मराठास आ चुके थे, डच आए तब तक मराठास आ चुके थे, याद रखना। औरंगजेब वॉज द मुगल एम्परर टिल हिज डेथ इन 1707। शिवाजी अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस वॉज बॉर्न इन 1627 एंड ही पास्ड अवे इन 1680। ये मैं लिख के रखता हूं कहीं तो भी, ताकि आपको एक एंड औरंगजेब डेथ इज इन 1707। ये पर्सपेक्टिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इनकी बात कर रहे हैं लेकिन उधर कौन है ये दिमाग में घूमते रहना चाहिए। तो इनकी शुरुआत काफी ठीक ठाक हुई, इन्होंने काफी सारी फैक्ट्रीज मतलब बेसिकली ट्रेडिंग पोस्ट्स, ऐसा कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता था कि वो फैक्ट्री बनाए, यहां पर फैक्ट्री का मतलब है ट्रेडिंग पोस्ट, इतना आप ध्यान में रखिए। ओके, तो एक लिस्ट बना लीजिए कब कब कौन सी फैक्ट्री थी, मैं फटाफट डिक्टेट कर रहा हूं। 1668 फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत, 1668 सूरत पहली फैक्ट्री, 1669 मसौलीपट्टनम, 1669 मसौलीपट्टनम, ये उसकी स्पेलिंग है। कभी कभी प्रीलिम्स में ऐसा स्पेसिफिक आ जाता है, 1669 मसौलीपट्टनम, 1673 चंदर नागौर लिखते हैं उसको, NAGORE, चंदर नागौर इन बंगाल, बाद में आने वाला है ये, 1673, 1674 ऑप्टेंड पांडिचेरी फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर, ऑप्टेंड पांडिचेरी फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर, बीजापुर के सुल्तान के पास से पांडिचेरी का क्षेत्र मिला। सेवनटीन ट्वेंटी थ्री यनम, 1725 माहे ऑन द मालाबार कोस्ट, मालाबार तटीय क्षेत्र पर माहे, 1725 एंड 1739 कराईकल, 1739 कराईकल, KARAIKAL कराईकल। यहां तक जो उनको ट्रेडिंग पोस्ट मिले इसमें वायलेंस बहुत कम था, नेगोशिएशन बहुत ज्यादा था, राइट। तो बाय टॉकिंग टू द लोकल रूलर, बाय ऑफरिंग हिम सम पोर्शन ऑफ द ट्रेड, राइट, ये सारी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंडिया का पार्ट है वहां टर्निंग पॉइंट आता है 1741। दिस इज द ईयर व्हेन अ जेंटलमैन कॉल्ड जोसेफ फ्रांसुआ डुप्ले was appointed as governor of the French East India Company. उन्होंने देखा कि बहुत सारे local rulers हैं जिनमें quarrels हैं, जो आपस में झगड़ रहे हैं, and here he saw a big opportunity. Here he saw a big opportunity. How? Interfering, because they had the right to maintain an army, वो तो फ्रेंच गवर्नमेंट से मिला ही था,
interfere on behalf of one of them, ensure that he wins, okay, and take concessions from that person, from the king. आपने ए को, ए और बी में लड़ाई हो रही है, आप ए को हेल्प करें और ए जीत गया, तो आपने ए को जो हेल्प करा उसका मुआवजा तो आप मांगेंगे ही ऑब्वियसली. तो डुप्ले हैड दिस स्कीम इन माइंड. ही हिमसेल्फ वुड हैव बीन सरप्राइज्ड एट हाउ ब्यूटिफुली इट वर्क्ड फॉर द फर्स्ट फ्यू इयर्स बिकॉज ही वॉज वेरी टेंटेटिव. अब दो भाई अगर झगड़ रहे हैं, उसके बीच में मैं एक भाई के पास जाऊंगा और बोलूंगा मैं तेरे को तेरे भाई के अगेंस्ट सपोर्ट करता, तू मेरे को हेल्प कर. कहीं बाप बेटा लड़ रहे हैं, कहीं मुसलमान मुसलमान ही लड़ रहा है, तो डर यह था कि मुसलमान पलट के मेरे को ही मार देगा. बट ही वॉज सरप्राइज्ड. क्या हुआ, ये बहुत ही डार्क फेज है. एनीवे, तो स्टार्टिंग में फ्रेंच की ये स्ट्रैटेजी जो थी ये बहुत बढ़िया चली, बट वेरी सून द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश केम इन टू कंफ्लिक्ट. कैसे समझते हैं उसके लिए अब आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी फ्रेंच का यहां तक आप नोट कर लीजिए, ओके. अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी थोड़ी कहानी बढ़ाते हैं, फिर दोनों की कहानी हम मिलाते हैं. हेडिंग दीजिए. तो ये इमेज आप देख सकते हैं, इसमें आपको दिखेगा कि फ्रेंच के क्या क्या एक्सपेंशन प्लान्स थे इंडिया में, किस हद तक उन्होंने एक्सपेंड कर लिया था. चलिए, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हाउ द ब्रिटिश केम टू पावर इन इंडिया और उन्होंने किस तरह से अपना वर्चस्व फैलाया, इट्स वर्थ स्टडिंग. मेनी लेसन्स इन दैट. आए तो ये भी ट्रेडर्स बन के ही थे, लेकिन एम्बिशन बहुत जल्दी, ट्रेड के एक हद के बाद उनको पॉलिटिकल पावर चाहिए थी. उनका पहला अटेम्प्ट फेल हुआ, क्योंकि पहली बार जब उन्होंने कोशिश की तब मुगल सम्राट औरंगजेब थे, एंड अनलेस यू आर अ मराठा यू डोंट मेस विथ औरंगजेब. तो उनको मुंह की खानी पड़ी. फिर वो अपने टिपिकल इस पे माफी 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 करते हुए आए और वापिस आए इंडिया में, और फिर फ्रेंच के साथ उनका क्लैश हुआ. ठीक है, जो तो ब्रिटिश फ्रेंच क्लैश इन इंडिया जो है, दीज आर कॉल्ड द कर्नाटिक वॉर्स. आते हैं उस पर. सबसे पहले लिखिए, द चार्टर ऑफ 1600, 1600 में एक राज घोषणा हुई, ग्रांटेड मोनोपोली टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर ट्रेडिंग टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप. रिमेंबर, ये अफ्रीका का टिप है, ये यहां पे पोर्चुगल है, यहां पे ब्रिटिश आइल्स है. तो यहां से ये वाला पार्ट जो है आपके मैप पे, राइट, ट्रेडिंग टू द ईस्ट ऑफ द केप ऑफ गुड होप, 15 साल के लिए उनको एक अधिकार दिया गया. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्मड इन 1600, ओके. जो पहला वॉयज था उनका, दैट वॉज कमांडेड बाय सर जेम्स लैंकेस्टर, 1601 फर्स्ट वॉयज, जेम्स लैंकेस्टर. राइट, 1604 सेकेंड वॉयज,
इसके कमांडर थे सर हेनरी मिडिल्टन, सर हेनरी मिडिल्टन। इंडिया का अगर आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तब का देखें तो सबसे पहले फ्रांस और ब्रिटिश, ये दोनों दक्षिण भारत पे क्यों टूट पड़े, उसका कारण है 1565 बैटल ऑफ तल्लीकोटा एंडेड द विजयनगर एम्पायर। ओके, उसके बाद साउथ में कोई भी स्ट्रांग सेंट्रल पावर नहीं थी। एक टाइम पे विजयनगर एक बहुत स्ट्रांग एम्पायर था और आजू बाजू में वो सारे सल्तनत थे जिसको हम डेक्कन सल्तनेट्स बोलते हैं, जो मुगल साम्राज्य के, औरंगजेब के टाइम पे तो मुगल साम्राज्य ने सभी को खा लिया था, लेकिन डेक्कन सल्तनेट्स मिक्स हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी साउथ इंडिया का हमेशा एक पार्ट रहा जो मुगलों के इन्फ्लुएंस के बाहर था और जहां पर कोई स्ट्रांग यूनिटरी पावर नहीं था। प्लस जो नेवल रूट है, जो नेवल रूट है वो साउथ इंडिया को पहले टच करता है। साउथ से नॉर्थ जाने में लैंड रूट यूज करना है। नेवल रूट पे यूरोपियन पावर्स स्ट्रांग है, लैंड रूट पे यूरोपियन सोल्जर्स स्ट्रांग नहीं है, ऐसा उनको लगता था। तो इसीलिए पूरा ध्यान दक्षिण भारत की तरफ जाता है, फ्रेंच का भी और ब्रिटिश का भी। ओके, ब्रिटिश की फर्स्ट फैक्ट्री जो थी दैट वॉज इन 1611, फर्स्ट फैक्ट्री मसौलीपट्टनम, मसौलीपट्टनम। लेकिन ये एक्टिविटी धीरे धीरे मद्रास शिफ्ट हुई और यहां पे अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए द ब्रिटिश बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट विच वॉज फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज। राइट, उसके बाद फ्रॉम साउथ एक ट्रेडिंग पोस्ट इस्टैब्लिश हो गई। द ब्रिटिश डिड नॉट मूव नॉर्थ, नेवल पार, द ब्रिटिश मूव्ड ईस्ट। ओके, एंड देन 1633 दे गॉट ट्रेड कंसेशंस इन ओरिसा, राइट, एंड इन 1651 they reached Bengal. Bengal से they spread into three directions. Remember, trade की ही बात चल रही है अभी, राजाओं का लुभाना, राजा की तारीफ करना, राजा को गिफ्ट देना, राजा को प्रॉमिस करना कि ट्रेड में से जो प्रॉफिट्स होंगे उसका उसमें से इतना शेयर आपको मिलेगा, इस तरह से लुभाना। फिलहाल यही स्ट्रेटेजी चल रही है ब्रिटिश की। यहां से वो मूव हुए पटना, यहीं से वो मूव हुए है बालासोर और ढाका। ओके, तो ये तीनों पार्ट्स जो हैं वो कंट्रोल बंगाल से होते थे, राइट, एंड बंगाल वाज द फर्स्ट रीजन इन इंडिया टू कम अंडर द ब्रिटिश कल्चरल इन्फ्लुएंस। कुछ बंगाली आज भी अपने आप को अंग्रेजी मानते हैं, सॉरी दैट वाज जस्ट अ जोक। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारी चीजें भारत में बंगाल से शुरू होती है। सोशल रिफॉर्मर्स, the earliest social reformers who tried to modernize the Indian way of thinking, they came from Bengal. Okay,
और बंगालीज को आज भी इंटेलेक्चुअल्स बोला जाता है। कई सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस ये भी बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स का इंडिया से जाने का दुख अंग्रेजों से ज्यादा बंगालियों को हुआ था। एक कॉमेडियन है, उसने ये बोला है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं। प्लीज, आजकल कुछ भी बोलना बहुत खतरनाक हो गया बॉस। तो इतना जब हुआ तो अब महत्वाकांक्षा बढ़ी। नाउ द एम्बिशंस ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज्ड। दे वॉन्टेड पॉलिटिकल पावर। उनको लगा कि ये दिस इज व्हाट आर वी डूइंग, दिस व्हाट आर वी डूइंग, एवरीवेयर वी हैव टू ट्रेड, वी हैव टू टॉक विद अ लोकल रूलर, हमें उनकी जी हुजूरी करनी है, उनको हमको कुछ पैसा देना पड़ता है, कुछ कुछ लोग बहुत ज्यादा मांग लेते हैं, मुनाफा कम होता है, दिस इज नॉट, दिस कैन नॉट कंटिन्यू इज व्हाट दे थॉट। एंड दे थॉट दैट वी नीड टू गेट पॉलिटिकल पावर, एंड वंस वी गेट पॉलिटिकल पावर वील हैव अ फ्री हैंड इन ट्रेड, राइट। सो यहां से कंफ्लिक्ट शुरू हुआ। द फर्स्ट कंफ्लिक्ट वॉज कंफ्लिक्ट विथ मुगल्स। द ईयर वॉज 1686। The British attacked Hooghly. Remember, ये मुगल एम्पायर का एरिया था। हुगली पे आक्रमण, और उन्होंने मुगल साम्राज्य पे युद्ध की घोषणा कर दी। लिख लीजिए, Declared war on the Mughal Empire. Declared war on the Mughal Empire. अब मुगल एम्पायर कब थे? औरंगजेब। तो वो अपनी पूरी ताकत लेके कूद पड़े, ब्रिटिशर्स टिक भी नहीं पाए, ओके। प्लस सिर्फ हुगली वापस नहीं लिया, मुगल टेरिटरी में ब्रिटिशर्स के जितने भी ट्रेडिंग पोस्ट थे सबको तहस नहस कर दिया, और मुंबई के फोर्ट पर घेराबंदी डाल दी औरंगजेब ने, बॉम्बे के पोर्ट पर घेराबंदी डाल दी। तो ब्रिटिशर्स को समझ में आया दिस इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी, और ब्रिटिशर्स की ये हालत थी कि बोट्स में घूम रहे थे वो बे ऑफ बंगाल एरिया में। फ्रॉम देयर द ब्रिटिशर्स थॉट ओके लेट्स गो बैक, लेट्स अपोलोजाइज, ओके। सो दे वेंट बैक टू द मुगल एम्परर, दे अपोलोजाइज्ड एंड दे एक्सप्रेस्ड देयर विलिंगनेस टू ट्रेड अंडर देयर प्रोटेक्शन। द ब्रिटिश एक्सेप्टेड टू डू देयर ट्रेड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द मुगल्स, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, अटैक हुगली, उसके बाद लिखिए औरंगजेब डिफीट्स द ब्रिटिश, औरंगजेब ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया। डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, बुलेटेड पॉइंट्स, ताकि रिवीजन फटाफट हो जाए। ब्रिटिशर्स ने माफी मांगी, द ब्रिटिश अपोलोजाइज्ड, और मुगल संरक्षण में व्यापार करने के लिए मंजूरी दे दी, एंड दे showed their willingness to trade under their protection. Remember, सिर्फ हुगली वापिस नहीं लिया औरंगजेब ने, सारी फैक्ट्रीज में से सारी ट्रेडिंग पोस्ट खत्म कर दिया, सारी फैक्ट्रीज खत्म कर दी। तो ब्रिटिश आके अपोलोजाइज की, तो उनका जो माफीनामा था वो मुगलों ने मान लिया। ये बड़ा सवाल है, जो ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम आपके संरक्षण में व्यापार करेंगे, क्षमा कीजिए हमसे गलती हो गई,
हम आपके संरक्षण में व्यापार करेंगे, ओके, और हम वो व्यापार का कुछ मुनाफा आपको भी देंगे। मुगलों ने मान लिया। इतिहासकारों के मन में ये सवाल है, Why did the Mughals accept? अगर तब मुगलों ने ब्रिटिशर्स को बोला भाग यहां से तो खेल खत्म। देखा, बड़ी रोमांचक कहानी है। क्यों? इसके दो कारण बताए जाते हैं। हिस्टोरियंस ने इसको एनालाइज करने की कोशिश की। मेरा एक तीसरा पर्सपेक्टिव भी है। याद रखिएगा 1686 की बात चल रही है। दो पर्सपेक्टिव जो हिस्टोरियंस बताते हैं, एक उसमें है इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है, जो एक ट्रिब्यूट ऑफर किया था ब्रिटिशर्स ने मुगल्स को, वो काफी हाई था, जिसके कारण मुगलों को लगा, औरंगजेब को लगा कि इनको एक्सेप्ट करने में आर्थिक फायदे बहुत हैं। दूसरा, नेवल सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं थी। नेवल सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश तो थी, और उस वक्त मुगलों का बहुत सारा ट्रेड यहां होता था, ईरान, ईस्ट अफ्रीका और कई देशों के साथ मुगलों का ट्रेड होता था। कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन था कि ब्रिटिश की नेवल सुप्रीमेसी है, एंड इफ द मुगल्स डोंट फॉरगिव द ब्रिटिश, द ब्रिटिशर्स माइट यूज नेवल सुप्रीमेसी टू डैमेज मुगल ट्रेड विथ ईरान एक्सेट्रा। नेवल रूट है ना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान पहुंचने तक। तो ये दो कारण इतिहासकार बताते हैं एज टू व्हाई द मुगल्स एक्सेप्टेड। उसमें एक और हाइपोथेसिस ये हो सकता है, टू काउंटर द मराठास, बिकॉज अंडर शिवाजी द मराठास हैड बिकम अ गुड पावर एंड द मराठास हैड अ गुड नेवी, द मुगल्स डिड नॉट हैव अ नेवी। तो ब्रिटिश की नेवी, मराठास की नेवी, इट कुड टेक ऑन द मराठा नेवी, राइट? एंड इफ द ब्रिटिश बिकम पावरफुल अंडर द मुगल प्रोटेक्शन, दे कैन बी यूज एज एन इफेक्टिव काउंटर टू चेक द पावर ऑफ द मराठास। ये एक तीसरा कारण भी हो सकता है कि मुगलों ने, औरंगजेब ने हां क्यों बोला और वो माफीनामा क्यों एक्सेप्ट करा। ठीक है, तो अल्टीमेटली औरंगजेब ने उनको अनुमति दी, उनको फाइन पे करना पड़ा उस जमाने में 1.5 लाख रुपए, जो बहुत बड़ी अमाउंट है। उस जमाने में द ब्रिटिशर्स हैड टू पे अ फाइन ऑफ 1.5 लाख्स एंड दे पेड, विच टेल्स यू हाउ मच मनी दे हैड ऑलरेडी अर्न्ड, राइट? उसके बाद जब तक औरंगजेब थे तब तक अंग्रेजों ने कोई पंगे नहीं करे। एनीवे, आगे लिखिए 1698, अंग्रेजों को 3 गांव की जमींदारी दी गई। दिस वॉज सुतानती,
कालीकत्ता एंड गोविंदपुर. ओके, यहां पे ब्रिटिशर्स ने बनाया फोर्ट विलियम. ठीक है, उसके बाद 1717 फारूक सियार एम्परर, द ब्रिटिश ऑब्टेन्ड, जो ब्रिटिश के ट्रेडिंग राइट्स थे, लिख लीजिए ट्रेडिंग राइट्स एक्सटेंडेड टू डेक्कन एंड गुजरात. डेक्कन एंड गुजरात, ठीक है. तो ये इसके बाद जो ट्रेड प्रॉस्पर हुआ ब्रिटिशर्स का, आप लिख लीजिए इंडिया से इंग्लैंड, मतलब इंडिया के एक्सपोर्ट्स टू इंग्लैंड 1708 में दिस वॉज 5 lakh pounds, राइट. 1740 में इट वॉज 1,95,000 pounds. इतनी वैल्यू थी ट्रेड की इन 1740. ह्यूज इंक्रीज इन ट्रेड, ह्यूज इंक्रीज इन ट्रेड फॉर द ब्रिटिशर्स, राइट. इसी के साथ क्रूशियल सेंटर्स का पॉपुलेशन भी बढ़ने लगा. मद्रास की पॉपुलेशन 3 lakh टच कर गई, कैलकटा 2 lakh, बॉम्बे 70,000, क्योंकि वहां पे ट्रेड हो रहा था, प्रॉफिट्स थे, तो लोग माइग्रेट होने लगे उस एरियाज में. प्लस काफी सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स भी रहते थे, तो इनकी ये आबादी बढ़ने लगी. तो 1740 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां खड़ी है और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यहां खड़ी है. द स्टेज इज सेट फॉर अ ब्यूटिफुल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू पावर्स. ओके, तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्या था इसको अब हम स्टडी करते हैं. ये दोनों पावर्स में जो स्ट्रगल हुआ उसको नाम दिया जाता है द कर्नाटिक वॉर्स, CARNATIC, द कर्नाटिक वॉर्स. फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो है उसका बहुत ज्यादा कुछ ये नहीं है, थोड़े से पॉइंट्स उसके बारे में लिख लीजिए. रिमेंबर द ओनली थिंग विच वॉज स्टॉपिंग द ब्रिटिश फ्रॉम हैविंग पॉलिटिकल एम्बिशंस वॉज औरंगजेब, क्योंकि उनके हाथों वो एक बार हार चुके थे. लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, रिमेंबर द मुगल एम्पायर स्टार्टेड वीकनिंग कंसिडरेबली, और कई प्रोविंसेस जो थे मुगल एम्पायर के, उन प्रोविंसेस ने अपने आप को दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू बी इंडिपेंडेंट किंगडम्स. उनमें से कुछ 1947 तक सर्वाइव किए, ये दूसरी बात है. जो फर्स्ट फ्रेंच कर्नाटिक वॉर थी, मेजर तो सेकेंड और थर्ड वॉर्स हैं. जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर थी दैट वॉज, ऊपर हेडिंग दीजिए द कर्नाटिक वॉर्स, द कर्नाटिक वॉर्स. द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर
पहला कर्नाटिक युद्ध 1746 to 1748। 1740 में यूरोप में द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्टेड। ऑस्ट्रियन किंग के डेथ के बाद ऑस्ट्रियन एम्पायर का किंग कौन बनेगा, ये शुरू हुआ। 1744 में ब्रिटिश एंटर्ड द कंफ्लिक्ट एंड फ्रांस वॉज ऑन द ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो लिख लीजिए पॉइंट्स। 1740 वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन ब्रेक्स आउट इन यूरोप। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी, ऑस्ट्रियन उत्तराधिकारी का युद्ध यूरोप में प्रारंभ हुआ 1744। ब्रिटेन एंटर्स द वॉर। इस युद्ध 1744 इस युद्ध में अंग्रेज भी शामिल हुए। राइट, तो इसका इंडियन इंप्लीकेशन हुआ 1746 में। रिमेंबर फ्रेंच के गवर्नर है डुप्ले। मद्रास में रिमेंबर ब्रिटिश का फोर्ट था। ओके, तो फ्रेंच कैप्चर द ब्रिटिश पोस्ट एट मद्रास। मद्रास में अंग्रेजों पर फ्रेंच की जीत। तो जो नवाब थे जिन्होंने अंग्रेज को वो पोर्ट दिया था, ये नवाब कौन थे हम देखेंगे, उन्होंने 10,000 की आर्मी भेजी फ्रेंच को हराने में, फ्रेंच को वहां से खदेड़ देने में। तो उसके कारण हुआ बैटल ऑफ अडियार। दिस वॉज फ्रेंच वर्सेस द नवाब। ओके, फ्रेंच वन। ठीक है, इसके बाद फ्रांस ने काफी कोशिश की कि कडलूर में जो अंग्रेजों का किला बना है उस पर कब्जा करने की, बट सफल नहीं हो पाए। अब 1748 में फाइनली पीस हुआ, द ट्रीटी ऑफ एक्स ला शपेल। राइट, इसमें कंडीशन ये था कि फ्रेंच ने मद्रास जो अंग्रेजों से छीना है ये फ्रांस अंग्रेजों को वापस दे दे। बट डुप्ले वॉज नॉट इन द मूड, बिकॉज डुप्ले वॉन्टेड टू गिव इट टू समवन कॉल्ड नवाब अनवरुद्दीन, एंड हिज फेलियर टू गिव इट टू नवाब अनवरुद्दीन हैड सम कॉन्सिक्वेंसेस। अब ये नवाब अनवरुद्दीन कौन थे, तो ये था फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। सेकेंड कर्नाटिक वॉर इज वेरी कॉम्प्लेक्स,
आप इसको फ्लो चार्ट से समझिए। रिमेंबर डुप्ले की स्ट्रेटेजी क्या थी, इंटरवीन इन वॉर्स ऑफ सक्सेशन बिटवीन टू साइड्स, इंटरफियर ऑन बिहाफ ऑफ वन साइड, एंश्योर दैट दैट साइड विंस, गेट बेनिफिट्स। ये सिंपल उनका प्लान था। तो दक्षिण भारत में इन टू प्लेसेस प्रॉब्लम्स वेर हैपनिंग, राइट? फर्स्ट वॉज द कर्नाटिक रीजन। यहां पे प्रॉब्लम क्या थे, यहां पे जो रूलर थे वो थे नवाब अनवरुद्दीन। राइट? उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में थे चंदा साहिब। पावर स्ट्रगल हो रहा था इन दोनों में, ठीक है? दूसरी तरफ था हैदराबाद। यहां पे क्या हुआ, निजाम उल मुल्क आसफ जाह की मौत, इसके बाद दो लोगों के बीच अगला निजाम कौन बनेगा, इसके लिए जंग तो नहीं बोल सकते, गृह युद्ध शुरू हुआ पूरा स्टेट के ऑस में। इसमें एक तरफ थे नासिर जंग और दूसरी तरफ थे मुजफ्फर जंग, ठीक है? ये आसफ जाह के बेटे थे, ये आसफ जाह के पोते थे, तो ये बाप बेटे थे एक्चुअली। इन दोनों में वॉर ऑफ सक्सेशन एंड कोल्ड वॉर। तो यहां पे डुप्ले सॉ एन अपॉर्चुनिटी। उन्होंने चंदा साहेब और मुजफ्फर जंग से बात करी एंड फोर्सेस कंबाइन किए। तो इससे क्या हुआ, इसके बाद चंदा साहेब मुजफ्फर जंग एंड द फ्रेंच कंबाइन फोर्सेस। इन्होंने क्या बोला, चंदा साहेब ये पूरा अलायंस जो है वो यहां पर चंदा साहेब के लिए लड़ेगा और ये पूरा अलायंस यहां पर मुजफ्फर जंग के लिए लड़ेगा, सो दैट दे आर नॉट लेफ्ट अलोन, आर्मी कंबाइन करेंगे। तो उसके रिजल्ट्स ये है, ये हो रहा है 1748 में। इसी के साथ साथ देखा कैसे कनेक्टेड हैं। तो पहली जीत होती है 1749 में, बैटल ऑफ अंबूर, बैटल ऑफ अंबूर। राइट? अनवरुद्दीन किल्ड, अनवरुद्दीन किल्ड, ठीक है? अनवरुद्दीन के बेटे थे मोहम्मद अली,
राइट। तो मोहम्मद अली भाग गए, मोहम्मद अली रन्स ऑफ टू ट्रिकोनोपोली, उनके बेटे मोहम्मद अली भाग गए, ठीक है, ट्रिकोनोपोली। तो ये 1749 का बैटल, ये तो चंदा साहेब जीत गई, चंदा साहेब जीत गए, ठीक है। तो ट्रिकोनोपोली का एरिया छोड़ के बाकी कर्नाटिक क्षेत्र पे चंदा साहेब की अथॉरिटी इस्टेब्लिश हो गई, राइट। तो दिस इज चंदा साहेब रूल्स रेस्ट ऑफ कर्नाटिक राइट। मकसद फ्रांस का कामयाब हो गया। तो फ्रांस ने जो हेल्प करा था उसके लिए द फ्रेंच आर गिवन 80 विलेजेस नियर पॉन्डिचेरी, ठीक है। अब ये बंदा ट्रिकोनोपोली में, मिस्टर मोहम्मद अली वॉज इन ट्रिकोनोपोली राइट, उनको मारना बहुत जरूरी था, तो इसीलिए घेराबंदी की गई ट्रिकोनोपोली की, ट्रिकोनोपोली बिसीज्ड। यहां पे ये कहानी हुई। अब यहां पर क्या हुआ, नासिर जंग किल्ड, लिखते जाइए प्लीज, नासिर जंग किल्ड, ओके, मुजफ्फर जंग becomes the Nizam, ठीक है। तो यहां पे भी डुप्ले की इंटेंशंस सक्सेसफुल हो गई। तो इसके बदले में फ्रेंच को बहुत चीजें मिली जिन्होंने फ्रेंच को एक्चुअली शक्तिशाली बना दिया। सबसे पहले टेरिटरीज, कुछ क्षेत्र दिए गए नियर पॉन्डिचेरी, आज पुदुचेरी बोलते हैं हम, एंड मसूलीपट्टनम। इसके पास के और कुछ क्षेत्र फ्रेंच को दिए गए मदद के लिए। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को 5,00,000 रुपए दिए गए, राइट। और जो सोल्जर्स थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को के, उनको और 5,00,000 दिए गए, निजाम द्वारा, राइट। डुप्ले को पर्सनल लेवल पे
क्योंकि ये पूरा स्ट्रेटेजी प्लानिंग डुप्ले की थी। पर्सनल लेवल पे डुप्ले को 20 लाख रुपए दिए गए और एक जागीर दी गई। वो जागीर से सालाना इनकम होती थी 1 लाख रुपए। वो जागीर से सालाना इनकम होती थी 1 लाख रुपए। डुप्ले को गवर्नर भी बनाया गया ऑफ मुगल डोमिनियंस ऑन द ईस्ट कोस्ट। मतलब बेसिकली कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक जितने भी मुगल क्षेत्र थे ईस्ट कोस्ट पे, डुप्ले को उसका गवर्नर बनाया गया। ठीक है, हैदराबाद में फ्रेंच आर्मी स्थित थी, राइट, क्योंकि ये कंडीशन होती थी, वो हम देखेंगे सब्सिडरी अलायंस क्या है। तो उसके साथ एक जनरल को रखा गया जिसका नाम था बसी। राइट, बहुत जल्द मुजफ्फर जंग की मृत्यु हो गई, लिखते जाइए, फ्लो चार्ट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। मुजफ्फर जंग डाइस, थर्ड सन जिसका नाम था सलाहत जंग, मेड द निजाम बाय बसी। मुजफ्फर जंग की मृत्यु, उनके तीसरे बेटे सलाहत जंग को बसी ने निजाम बनवाया। इससे खुश होकर सलाहत जंग ने फ्रेंच को और टेरिटरीज दी। ये टेरिटरीज कौन सी थी? द फ्रेंच वेर गिवन मुस्तफा नगर, एल्लोर, राजमंड्री, एंड शिकाकोल। एंड डुप्ले वॉज His plans had succeeded beyond his imaginations and he couldn't believe his eyes. Starting में उनको नहीं लगा था। तो ये जो princes थे, इनके साथ जो treaty ये East India Company sign करती थी, that was known as सब्सिडियरी अलायंस। वो ट्रीटी के पॉइंट्स हम बाद में लिखेंगे। तो यहां पर ये सब हुआ एंड द ब्रिटिश वेर वॉचिंग दिस विथ इंक्रीजिंग अलार्म बिकॉज ब्रिटेन एंड फ्रेंच दे आर ट्रेडिशनल एनिमीज। इतने युद्ध लड़े हैं वो, क्या ही बताएं। दे वेर लुकिंग एट दिस सिचुएशन विथ अलार्म। तो उन्होंने क्या किया, अगला हेडिंग दीजिए, द राइज ऑफ रॉबर्ट क्लाइव।
तो उन्होंने क्या सोचा कि अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है. दे डिसाइडेड टू सपोर्ट मोहम्मद अली. जो बेचारा त्रिकोणापल्ली के फोर्ट में कैद बंद था, चारों तरफ से घेराबंदी हो चुकी थी. त्रिकोणापल्ली, रिमेंबर, वॉज अ स्मॉल फोर्ट इन द कर्नाटक. कर्नाटक रीजन का कैपिटल वॉज आरकॉट. ठीक है, अब मोहम्मद अली को बचाना है अगर, तो यहां पे तो घेराबंदी लगी हुई है. तो देर वॉज अ यंग एम्बिशियस क्लर्क, अ जूनियर क्लर्क इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कॉल्ड रॉबर्ट क्लाइव. उन्होंने बोला कि द ओनली वे मोहम्मद अली कैन बी फ्रीड इज इफ वी अटैक आयरकॉट. बिकॉज इफ वी अटैक आयरकॉट, टू डिफेंड आयरकॉट त्रिकोणापल्ली में जो फोर्सेस है उनको डाइवर्ट करना पड़ेगा टूवर्ड्स आयरकॉट, और वो डाइवर्ट हो गए तो मोहम्मद अली को फ्री करना पॉसिबल है. एंड रॉबर्ट क्लाइव थॉट दिस वॉज द ओनली वे. ओके, सो दे सेड फाइन. एंड दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड कर्नाटिक वॉर, द थर्ड कर्नाटिक वॉर. सॉरी, फ्लो ऑफ इवेंट्स क्या थे? एयरकॉट ऑक्यूपाइड by the British. ये मैंने एक लाइन में लिखा, इतना आसान नहीं था. उसके लिए भी वो स्ट्रैटेजी यूज करना एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ था. एंड रॉबर्ट क्लाइव्स इंजेन्यूटी. तो इसके कारण क्या हुआ? द सीज ऑफ त्रिकोणापल्ली एंड्स. त्रिकोणापल्ली की घेराबंदी समाप्त हुई. द सीज ऑफ त्रिकोणापल्ली एंड्स. त्रिकोणापल्ली की घेराबंदी समाप्त हुई, राइट? चांदा साहेब एंड द फ्रेंच. अब ये एयरकॉट गए, लेकिन एयरकॉट पे के किले पर ब्रिटिश ऑलरेडी अपना अधिकार जमा चुके थे. अब जब ये ट्रूप्स एयरकॉट पहुंचे तो ये अटैक, ये डिफेंसिव पोजीशन में आ गए. क्यों? फोर्ट में ऑलरेडी ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाई कर चुके थे, राइट? तो ये युद्ध में अब यहां पे ये युद्ध शुरू हो गया. समझ में आ रहा है ना? इसमें ब्रिटिश वन, चंदा साहिब किल्ड, सॉरी, ये सेकेंड कर्नाटिक वॉर यहां पे खत्म होता है, ध्यान रखना. ओके, ये थर्ड कर्नाटिक वॉर नहीं, ये सेकेंड कर्नाटिक वॉर यहां से शुरू हुआ था और यहां पे खत्म हो रहा है, राइट? और इसके बाद 1754
peace negotiations हुए ब्रिटिश एंड फ्रेंच, और ब्रिटिशर्स की सबसे इंपॉर्टेंट ये थी कंडीशन कि डुप्ले शुड बी रिकॉल्ड. और डुप्ले जो यहां पे बहुत खुश थे ब्रिटिश की रिवर्स स्ट्रेटेजी के सामने, डुप्ले टिक ही नहीं पाए. तो द ब्रिटिशर्स टुक वॉट डुप्ले हैड इनिशिएटेड एंड बिकेम बेटर एट इट देन डुप्ले. दैट वॉज द आइडिया. तो ये अलायंस पूरी कोलैप्स हो गई, राइट. और 1754 में जो पीस ट्रीटी हुई उसके बाद डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया, विच वॉज अ ह्यूज सेटबैक टू द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. ह्यूज सेटबैक. ठीक है, तो ये है द सेकेंड कर्नाटिक वॉर. समझ गए, इसमें छोटे छोटे बैटल्स बहुत है, जैसा बैटल ऑफ अंबुर, राइट, ये बैटल ऑफ एरकॉट, ये छोटे छोटे बैटल्स सब इसमें हैं. बैटल्स के डिटेल की हमको जरूरत नहीं है. उसके बाद आया द थर्ड कर्नाटिक वॉर. में बैटल ब्रोक आउट बिटवीन द ब्रिटिश एंड फ्रेंच अगेन. ठीक है, थर्ड कर्नाटिक वॉर के बहुत सारे ये थे. द थर्ड कर्नाटिक वॉर में फाइनली द फ्रेंच कोलैप्स्ड. इसमें मेजर इंडियन इवेंट्स क्या थे आप नोट कर लीजिए, अगले लेक्चर में इसको हम और डिटेल में देखने वाले हैं. सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी. इसको माना जाता है, कुछ हिस्टोरियंस अलग करते हैं, कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं, बैटल ऑफ प्लासी 1757. यहां से स्केल्स टिल्टेड इन फेवर ऑफ द ब्रिटिश. ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. बैटल ऑफ वैंडीवॉश, बैटल ऑफ वैंडीवॉश. अब बेसिकली ये वॉर जो था 1756 में जो वॉर ब्रेकआउट हुआ, रिमेंबर द वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन जो 1742-1748 चला, उसमें देर वेर सम अनरिजॉल्व इश्यूज विच अगेन लेड टू वॉर. ठीक है, तो उसके बाद तो वो जो वॉर थी जो यूरोप में शुरू हुई, दैट वॉज द सेवन ईयर्स वॉर 1756-1763. इंडिया में ये जो कंफ्लिक्ट था दैट वॉज अ पार्ट ऑफ दैट वॉर, द सेवन ईयर्स वॉर. वैंडीवॉश में ब्रिटिश आर लेड बाय जनरल आयरकूट एंड फ्रेंच आर लेड बाय लैली. ठीक है, 1763 द ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन. अब रिमेंबर
the French in India have lost 3 successive battles to the British. यहां तक तो फ्रेंच सक्सेसफुल थे. फ्रेंच यहां हारा. बैटल ऑफ प्लासी, जो साइड को फ्रेंच सपोर्ट कर रहे, बैटल ऑफ प्लासी पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं. अगले लेक्चर में हम कुछ कहानियां उसकी डिस्कस करेंगे. बैटल ऑफ प्लासी में फ्रेंच जिस साइड को सपोर्ट कर रही थी वो साइड हार गई. द साइड विच द ब्रिटिशर्स वर सपोर्टिंग, दैट साइड वन. फ्रेंच इन्फ्लुएंस फर्दर वीकेंड. द बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश, एन ओपन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश वन. तो बाय द टाइम द ट्रीटी ऑफ पैरिस वॉज साइंड, द फ्रेंच वेयर इन अ वेरी वीक पोजिशन, हैड कम डाउन टू अ वेरी वीक पोजिशन. एंड अल्टीमेटली दे हैड टू एक्सेप्ट द टर्म्स विच द ब्रिटिशर्स वेयर पुटिंग ऑन देम. तो इसके बाद क्या हुआ, ये ट्रीटी में ऐसा बोला गया कि जो फ्रेंच ट्रेडिंग पोस्ट्स हैं वो सिर्फ सेंटर्स ऑफ ट्रेड रहेंगे. नो आर्मी, नथिंग, प्रोटेक्शन पूरा ब्रिटिश रहेगा और फ्रेंच वो ट्रेड के लिए ब्रिटिश को शेयर देंगे जो पहले मुगलों को दे रहे थे. तो ये अगला इमेज है जो आपको बताता है कि ये पूरा कर्नाटिक वॉर में क्या क्या हुआ. इसमें आप सारे क्षेत्र देख सकते हैं. रिमेंबर, आपके स्टडी मटेरियल में ये पूरा मैप रहेगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है. ओके, अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस जो था, ये कैसा होता था, क्या होता था, थोड़ा सा हम इसको नोट कर लेते हैं. ये इन्वेंशन तो डुप्ले का था लेकिन इसको इफेक्टिवली यूज ब्रिटिशर्स ने किया. सहायक संधि, द ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि, हेडिंग दीजिए. कंडीशंस क्या थे उसके, सबसे पहले ब्रिटिश ट्रूप्स स्टेशन्ड परमानेंटली, ब्रिटिश ट्रूप्स स्टेशन्ड परमानेंटली इन द इंडियन रूलर्स टेरिटरी. ब्रिटिश ट्रूप्स स्टेशन परमानेंटली इन द इंडियन रूलर्स टेरिटरी. ऐसा बोलते थे कि तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए है. और इंडियन रूलर्स मान भी जाते थे, इंडियन रूलर्स मान भी जाते थे. अमेरिका ने बाद में यही पॉलिसी फॉलो की 20th century में. सऊदी अरेबिया में ट्रूप्स, अमेरिकन ट्रूप्स 1990 में शुरू हुए थे ना, फर्स्ट गल्फ वॉर जब हुआ था, कि हम सद्दाम हुसैन से तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर है. वो सद्दाम हुसैन कब का चले गया, ट्रूप्स अभी भी हैं बाय द वे. एनीवे, तो सबसे पहली चीज ये. दूसरी चीज, द रूलर हैज टू पे फॉर मेंटेनिंग द ट्रूप्स. तो पहला पॉइंट क्या था, स्थायी रूप से अंग्रेजों की सेना की टुकड़ी उस राज्य में रहेगी. दूसरा कंडीशन क्या था, उस सेना पर जो भी खर्चा होने वाला है
वो राजा को ही देना है, अंग्रेज नहीं देंगे, वो राजा को ही देना है। अब ये पैसा जो था ये तीन तरीके से दे सकते थे। या तो कैश, नगद, सामान या क्षेत्र। तो अंग्रेज बोलते थे कि ठीक है, यू कांट पे अस मेंटेनेंस, नो प्रॉब्लम, गिव अस सम टेरिटरीज, वी विल अर्न आवर मनी फ्रॉम दोज टेरिटरीज, गिव अस पावर ओवर सम टेरिटरीज, वी विल अर्न आवर मनी थ्रू दोज टेरिटरीज। ये कॉन्सेप्ट उनका एंग्लो मराठास तक चला है, ध्यान रखना, इसलिए हम इसको डिटेल में देख रहे हैं। आगे के लेक्चर्स में ये बहुत काम का है, आगे के लेक्चर्स में ये बहुत काम का है, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। ओके, तीसरी चीज, ब्रिटिश रेसिडेंट। स्थानीय नागरिक, ब्रिटिशों का स्थानीय नागरिक। अगला कंडीशन था ब्रिटिश रेसिडेंट, स्थानीय ब्रिटिश नागरिक, स्थानीय ब्रिटिश नागरिक। इसका कॉन्सेप्ट यह है कि एक ब्रिटिश रेसिडेंट कोर्ट में ही रहेगा। इसमें भी जो बहाना था वो ये था कि राजा की सुरक्षा ज्यादा अच्छे से हो पाएगी, बट ऑब्जेक्टिव था इंटरफियरेंस, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्शन, एक्चुअल ऑब्जेक्टिव इंटरफियरेंस, ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी खबर रहे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हमने ये माना, दैट इज द सरप्राइजिंग पार्ट, उन्होंने ये प्रपोज किया, दैट इज नॉट द सरप्राइजिंग पार्ट। कोई गठबंधन नहीं, जो नेटिव रूलर था, जिसने सब्सिडियरी अलायंस का अग्रीमेंट मान लिया, वो किसी और नेटिव रूलर के साथ कोई गठबंधन नहीं कर सकता, अनलेस द ब्रिटिश परमिटेड। ही कुड नॉट हैव एन अलायंस विथ एनी अदर नेटिव पावर अनलेस द ब्रिटिश परमिटेड हिम टू डू। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्नॉलेज द डोमिनियन ऑफ द ब्रिटिश, मतलब जो उनके क्षेत्र हैं, ब्रिटिश के क्षेत्र हैं, उनको स्वतंत्र इस राजा को मानना ही पड़ता था। इन कंडीशंस पे ब्रिटिश, ये शुरू फ्रेंच ने किया था, बट द ब्रिटिश यूज्ड इट सक्सेसफुली। अब उसके बेनिफिट्स देखिए, इसलिए बोलते हैं कि जो ब्रिटिश ने इंडिया पर अपना ऑक्यूपेशन जमाया, उसकी फंडिंग इंडिया ने ही की। ट्रूप्स किसके पैसे से मेंटेन हो रहे हैं? इंडियन रूलर के। रह कहां रहे हैं? इंडियन रूलर की टेरिटरी में। तो वो ट्रूप्स को मेंटेन भी कौन कर रहा है? इंडियन रूलर। अंग्रेजों का कुछ भी इन्वेस्टमेंट लगा? नहीं। तो इससे अपना विल पूरा उस रूलर पे जमा। दूसरा एक और पॉइंट था, नो अलायंसेस नॉट ओनली विद द नेटिव्स, विद द अदर्स ऑल्सो।
तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को इन पर मोनोपोली भी मिल गई। कोई भी दूसरी यूरोपियन शक्ति इसमें अब एंटर कर ही नहीं सकती। कोई भी दूसरी यूरोपियन शक्ति अब इस क्षेत्र में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकती, इंटरफियर कर ही नहीं सकती। इंडियन रूलर्स के पर्सपेक्टिव से सबसे पहले स्वतंत्रता खो गई, दूसरा आर्थिक इकोनॉमिक ड्रेन पूरा, आर्थिक रूप से पूरी तरह उनको चूस लिया गया। और जब अंग्रेज माई बाप है ही, ये माई बाप कल्चर ये है, तो द रूलर्स नेवर फोकस्ड ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल बिकॉज दे न्यू द ब्रिटिशर्स वेयर विद देम। तो ये पूरा जो हुआ, अभी तक अंग्रेजों ने क्या क्या सीखा है जो उनको आगे बहुत काम में आएगा, स्पेशली कर्नाटिक वॉर से। तो अगला चार्ट बनाइए, छोटा सा आखिरी चार्ट आज के लिए। व्हाट डिड द ब्रिटिश लर्न? सबसे पहले नो नेशनलिज्म, जो इंडियन जो वो नेटिव रूलर्स थे उनमें एक देश, ये पूरा जम्बू द्वीप या पूरा भारत एक देश है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उनका कंसर्न सिर्फ ये था कि कैसे भी करके हम हमारी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करें, कैसे भी करके हम हमारी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करें। इसीलिए अंग्रेजों को हस्तक्षेप करना बड़ा आसान हो गया। दे कुड इजीली इंटरफियर इन म्यूचुअल क्वारल्स क्योंकि वो एक दूसरे को बाहर वाला अंदर वाला ट्रीट करते थे, अंग्रेजों को नहीं। अभी भी हो रहा है अंग्रेजों को नहीं, अभी अंग्रेजी की जगह कोई और है, ठीक है। तो ये कंपटीशन उनमें ज्यादा थी, इसलिए ब्रिटिशर्स कुड इंटरफियर इजीली। तो इससे सबसे पहले इंटरफियरेंस, हस्तक्षेप करना बहुत आसान, दूसरी चीज क्या है, पहला चीज था इंटरफियरेंस इज इजी, दूसरी चीज क्या है, रिक्रूटमेंट इज इजी, मतलब रिक्रूटिंग देम एज सोल्जर्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि एक और लर्निंग उनको मिल गई थी, वेस्टर्न मॉडर्न इन्फेंट्री इज ग्रेटर देन द ट्रेडिशनल इंडियन आर्मी। और एक और, ट्रेंड इंडियन सोल्जर, ट्रेंड इंडियन सोल्जर इज एज गुड एज अ ट्रेंड यूरोपियन सोल्जर। तो यूरोप से सोल्जर मंगाने का खर्चा क्यों करें, यूरोप से सोल्जर मंगाने का खर्चा क्यों करें, जब यहां पर ऑलरेडी लोग बहुत ज्यादा हैं, डिमांड सप्लाई इक्वेशन, प्लस ये लोगों में ऐसी कोई फीलिंग तो है नहीं, देश राष्ट्र नाम की कोई फीलिंग तो है नहीं, और इनको अच्छे से ट्रेन किया, दे आर एज गुड एज एन अ यूरोपियन सोल्जर। तो यूरोप से सोल्जर मंगाना ही क्यों, इनको यहीं पे रिक्रूट करो। यहां से फिर वो सिपाही रिक्रूटमेंट धीरे धीरे बढ़ते चले गया।
जो बाद में अंग्रेजों के अगेंस्ट गया इन द लॉन्ग रन, क्योंकि वो अल्टीमेटली नेशनल फीलिंग्स जग गई। मंगल पांडे के वक्त हमने देखा, गदर मूवमेंट के वक्त हमने देखा, रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट के वक्त हमने देखा, INA ट्रायल्स के वक्त हमने कुछ हद तक देखा, बट अंग्रेजों ने ये चीजें सीख ली। भैया नेशनलिज्म कुछ नहीं है, तो आप आराम से हस्तक्षेप कर सकते हो, सब अपने अपना प्रांत अपने अपने क्षेत्र को सॉलिडिफाई करने में लगे हैं। हस्तक्षेप आप बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी भी ट्रेडिशनली ट्रेंड आर्मी हो, ट्रेडिशनल आर्मी कितनी भी बड़ी हो, एक छोटी सी वेस्टर्न इन्फेंट्री कंप्लीटली डिसिप्लिन्ड एंड ट्रेंड वो आर्मी पर भारी पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें जो अंग्रेजों ने यहां से सीखी वो उनके बहुत काम की रही जब उन्होंने बाकी भारतवर्ष पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया। तो अंग्रेजों के दैट जर्नी ऑफ द ब्रिटिश, बैटल ऑफ प्लासी बंगाल से लेकर ब्रिटिशों का वर्चस्व किस तरह स्थापित हुआ, कौन से वॉर्स हुए, बैटल्स हुए, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। जब हम देखेंगे तो हमने ये देखा कि ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनीज क्या क्या कब कब आई, राइट। इसके बाद की कहानी हम अगले लेक्चर में यहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने खत्म किया। इनफैक्ट थोड़ा पीछे से, प्लासी का डिटेल डिस्कशन हमारा बाकी है, वहां से हम डिस्कशन आगे ले जाएंगे, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।